2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। दरअसल हिंदुत्व को लेकर नया बखेड़ा सलमान खुर्शीद की नई किताब से शुरू हुआ था। सलमान खुर्शीद की पुस्तक के उस पन्ने पर जहां हिंदुत्व की तुलना दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन बोको हराम और ISIS से की गई थी, खुर्शीद की नई किताब में एक अध्याय है सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान, जिसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से हो रही है, जिसे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। इस तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों में ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। सरल शब्दों में समझें तो सलमान खुर्शीद मौजूदा हिंदुत्व की सोच को बोको हराम से भिन्न नहीं समझते। बड़ी बात यह है कि खुर्शीद ने बैठे बिठाए हिंदुत्व की नई व्याख्या में आतंकवाद को जोड़कर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने सीधे खुर्शीद की किताब पर गांधी परिवार से सफाई मांगी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब ISIS और बोको हराम की विचारधारा है। विरोध में मुंबई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज हो गया, मध्य प्रदेश की तरफ से किताब पर बैन लगाने की बात कही गई। अभी हिंदुत्व की व्याख्या पर उठा सियासी तूफान थमता, उससे पहले राहुल गांधी ने न सिर्फ खुर्शीद की सोच पर मुहर लगाई बल्कि हिंदुत्व और हिंदू का अंतर समझा दिया। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदु या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल के मुताबिक हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। प्यार बांटने का मतलब है हिंदुइज्म, नफरत बांटने का मतलब है हिंदुत्व। राहुल ने कांग्रेस की विचारधारा से हिंदुइज्म की तुलना की, जबकि बीजेपी और ISIS की विचारधारा को हिंदुत्व से जोड़ा। राहुल की बात को समझें तो हिंदुइज्म नफरत नहीं सिखाता, ये भाईचारा सिखाता है जो कांग्रेस के मूल विचार है। वहीं हिंदुत्व की विचारधारा नफरत को बढ़ावा देती है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हिंदुत्व की इस व्याख्या पर बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया बल्कि टाइमलाइन के साथ पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकिलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है, द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म, यह आप सबको पता है। जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदंबरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था गांधी परिवार द्वारा।